गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कैसे सब लोग? आवाज आ रही है क्या मेरी? मेरी आवाज आ रही है क्या? बोलिए, जुड़ जाइए फटाफट। वेरी गुड आफ्टरनून ध्रुविका, संजना, आंचल, नवाज, लीना, सागर, सोनी, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून अंशु, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू, वैदेही, रूही, लीना, श्वेता, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। आवाज आ रहा है क्या मेरे अच्छे से? आवाज आ रहा है क्या? अच्छे से आवाज आ रहा है क्या? बोलिए। यस, परफेक्ट है। ओके, यस, ओके। आज हम स्टेटमेंट एंड एजम्पशन नाम का टॉपिक करने वाले हैं, ठीक है? स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, कौन सा टॉपिक करेंगे आज? स्टेटमेंट एंड एजम्पशन टॉपिक करेंगे अपन। वेरी गुड आफ्टरनून अक्षरा, अमन, अवधेश, साक्षी, आंचल, सृष्टि, वैदेही, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। जस्ट वी आर वेटिंग फॉर 2 मिनट्स, सबको जुड़ने दो, फिर अपन स्टार्ट करेंगे। स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है आपको, आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है आज। नो नीड टू राइट एनीथिंग। वेरी गुड आफ्टरनून सुशील, वंतिका, निक, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कशिश, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। भविष्य, महिमा, वेरी गुड आफ्टरनून। यस आंचल, कल वाला कंप्लीट कर लिया आपने, आज हम स्टेटमेंट एंड एजम्पशन ये टॉपिक करेंगे। स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, ठीक है? ओके, आपको लिखने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि यहां पे आपको सॉल्विंग कुछ नहीं है, आपको खाली पढ़ना है और उसके हिसाब से जवाब देना है, इसलिए लिखने की जरूरत कुछ भी नहीं है। और जो पीडीएफ से मैं सिखाऊंगा आपको, वो पीडीएफ आपके साथ शेयर की जाएगी, सो नो नीड टू वरी अबाउट इट, ठीक है? हिमांशी, इसके लिए आप ऑफिस में कांटेक्ट करना आपने। अच्छा शिवांशी, चलेगा, स्टार्ट करता हूं। ओके, इस टॉपिक के पहले बेसिक सुनना और फिर हम काफी क्वेश्चंस इसके कर लेंगे, ठीक है? आपको इस टॉपिक में एक स्टेटमेंट दिया जाएगा और उसके साथ दो एजम्पशंस दिए जाएंगे, आपको बताना है विच एजम्पशन इज इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट मतलब कौन सा एजम्पशन आप बोल सकते हो कि करेक्ट है, मोर एप्रोप्रिएट है, ऐसा आपको आइडेंटिफाई करना है। आपको क्या दिया जाएगा? स्टेटमेंट दिया जाएगा एक और उसके साथ एजम्पशंस दिए जाएंगे दो, और आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा एजम्पशन इम्प्लिसिट है। तो उसमें आपको ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट एजम्पशन इम्प्लिसिट है, मतलब करेक्ट है, लेकिन दूसरा गलत है, ऐसा आंसर आ सकता है, या फिर फर्स्ट एजम्पशन गलत है, दूसरा करेक्ट है, ऐसा भी आ सकता है, या फिर फर्स्ट एजम्पशन भी करेक्ट है, सेकेंड एजम्पशन भी करेक्ट है, बोथ करेक्ट, ऐसा वाला भी ऑप्शन आ सकता है, और लास्ट वन दोनों एजम्पशन गलत ऐसा भी आ सकता है। तो बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये एजम्पशन मतलब क्या होता है। मैं कोई भी चीज जब बोलता हूं उसके पहले जो मेरी सोच रहती है, कोई भी चीज मैं बोलता हूं उसके पहले की मेरी जो सोच रहती है उसको बोला जाता है एजम्पशन, उसको बोला जाता है एजम्पशन। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, ठीक है? मैंने स्टेटमेंट कर दिया मैंने स्टेटमेंट कर दिया रूही
will. Clear. C S E E T. In first attempt. Ruhi will clear C S E E T in first attempt. अगर मैंने ये statement कर दिया, उसके पहले मेरी सोच क्या हो सकती है? उसके पहले मेरी सोच क्या हो सकती है? उसके पहले मेरी सोच क्या हो सकती है? देखना, दो assumptions आपको दिए जाएंगे. पहला assumption, रूही इज इंटेलिजेंट. और दूसरा assumption यह हो सकता है कि रोहित शर्मा इज कैप्टन ऑफ इंडियन टीम. तो देखो, मैं क्या स्टेटमेंट बोल रहा हूं, मैं आपको बोलते बोलते बोल दिया मैंने कि रूही जो है ना, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में सीएसईटी क्लियर कर जाएगी. उसके पहले की मेरी सोच क्या हो सकती है? कि मेरी सोच ये है, रूही इज इंटेलिजेंट गर्ल, या फिर रोहित शर्मा इज कैप्टन ऑफ इंडिया. क्या लगता है आपको? क्या लगता है आपको? हाँ, ओनली फर्स्ट इज करेक्ट. मुझे ऐसा लगता है कि रूही एक इंटेलिजेंट गर्ल है और वो CSEET एग्जाम क्लियर कर जाएगी. ये मेरा सोच है, वो इंटेलिजेंट गर्ल है इसलिए वो एग्जाम क्लियर कर जाएगी. बराबर. उसके पहले रोहित शर्मा कैप्टन है या कैप्टन नहीं है, उससे कोई कनेक्शन नहीं है. उसका कोई कनेक्शन नहीं है यारो. बात समझ में आ रही है कि आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कि यस, फर्स्ट इज करेक्ट. गॉट इट परफेक्टली. समझ में आया है? सेकंड रॉन्ग है. बिल्कुल सही है. यस, हाँ, शिवांश बोल रहा है क्विज करवाओ, क्वेश्चंस ले लो. बोले ठीक है, चलो. आपको मतलब बेसिक आइडिया तो आ गया कि एक स्टेटमेंट आपको दिया जाएगा, उसके पीछे की आपको सोच आइडेंटिफाई करना जरूरी है. पीछे की सोच, पहले हम क्या सोच लेते हैं और उसके बाद हम एक कोई स्टेटमेंट कर देते हैं, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है, सोच को. ठीक है. चलिए, पहला क्वेश्चन ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे. क्या है? देखो, यू आर हियर बाय अपॉइंटेड एज प्रोग्रामर विथ अ प्रोबेशन पीरियड ऑफ 1 ईयर एंड योर परफॉर्मेंस विल बी रिव्यूड एट द एंड ऑफ द पीरियड फॉर कंफर्मेशन अलाइन इन एन अपॉइंटमेंट लेटर. ठीक है, ये क्या बोल रहा है? देखिए, ये बात समझिए. अब मैं इसको, पहला क्वेश्चन है ये, मैं आपको समझा देता हूं. आपने को एक कंपनी ने अपॉइंट किया है और वो कंपनी ने आपको अपॉइंटमेंट लेटर जब दिया, उसमें क्या बोला है? देखो, यू आर हियर बाय अपॉइंटेड एज अ प्रोग्रामर विथ प्रोबेशन पीरियड ऑफ 1 ईयर. प्रोबेशन पीरियड मतलब क्या होता है? एक साल तक आप कोई भी कंपनी में कंफर्म एम्प्लॉई नहीं होते, आप प्रोबेशन पे रहते हैं, मतलब आपको कभी भी निकाल सकते वगैरह, ऐसी चीज हो सकती है. योर परफॉर्मेंस विल बी रिव्यूड एट द एंड ऑफ द पीरियड फॉर कंफर्मेशन. मतलब एक साल के बाद आपका परफॉर्मेंस वेरीफाई किया जाएगा. अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो कंटिन्यू करोगे, नहीं परफॉर्म कर रहे हो, नहीं कंटिन्यू किया जाएगा. ये आपके अपॉइंटमेंट लेटर में आपने को बताया है. उसके पहले उनकी सोच क्या हो सकती है? उसके लिए assumptions देखो क्या है. पहला assumption ये है, दूसरा assumption ये है. Performance of an individual generally is not known at the time of appointment offer. उसका performance कैसा है ये employ करते वक्त हमें पता नहीं रहता है. ये एक assumption दिया हुआ है. और दूसरा, generally an individual tries to prove his worth इन प्रोबेशन पीरियड. मतलब क्या कि ये अपनी वर्थ एक साल में प्रूव करने की कोशिश करेगा. ये उसके पीछे की सोच है. क्या लगता है आपको? क्या लगता है? अरे थैंक यू सनी. क्या लगता है आपको? क्या लगता है? मतलब मैं जब बोलूंगा आपको कि आपकी अपॉइंटमेंट ये आपके परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करती है, परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करती है, तो उसके पीछे की सोच क्या रहेगी?
हाँ, बोथ आर करेक्ट गाइस, बोथ आर करेक्ट, बोथ गाइस, बात समझिए, बोथ आर इम्प्लिसिट, बोथ आर इम्प्लिसिट। क्यों बोथ? देखो, परफॉर्मेंस ऑफ एन इंडिविजुअल जनरली इज नॉट नोन एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफर, है ना। किसी को भी अपॉइंट करते वक्त वो आगे चल के कैसा परफॉर्म करेगा ये तो पता नहीं रहता ना, इसलिए उसको बोला गया है कि तेरा परफॉर्मेंस देखा जाएगा भाई, तेरा परफॉर्मेंस अभी मेरे को पता नहीं है, तो बाद में हम उसको रिव्यू करेंगे। तो ये पहला वाला तो सही लग रहा है। उसके बाद दूसरा, जनरली इंडिविजुअल ट्राइज टू प्रूव वर्थ इन द प्रोबेशन पीरियड। ऑफ कोर्स, उसका वर्थ कितना है, वो सच में कैपेबल है या नहीं है, वो प्रूव करने की कोशिश करेगा, और वो कोशिश करेगा तो अच्छी बात है ना। तो उसको बोलो कि एक साल में तू प्रूव कर और फिर कंफर्मेशन ले ले, है ना। तो इसका मतलब बोथ अजम्पशंस आर करेक्ट। समझ में आई है बात? समझ में आई है? बोथ 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 आर करेक्ट। इज दिस क्लियर टू यू? ये समझ में आया है क्या सबको? इज दिस क्लियर? क्लियर है तो थम्स अप कर देना, मतलब मैं अगला क्वेश्चन लेता हूं। इजी है ये टॉपिक, टेंशन मत लेना, बहुत आसान है और इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है आपको, खाली देखना है। हाँ, वो आपको गाइड कर देंगे हिमांशु। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट वन, स्टेटमेंट देखिए, स्टेटमेंट देखिए। इट इज डिजायरेबल टू पुट द चाइल्ड इन द स्कूल एट द एज ऑफ 5 or so। बच्चा जब 5 साल का हो जाता है तो उसको स्कूल में दाखिल करना चाहिए, ये स्टेटमेंट बोला है। उसके पीछे का क्या हो सकता है? पहला ये है और दूसरा ये है। एट दैट एज द चाइल्ड रीचेस एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड इज रेडी टू लर्न। उस एज पे जाने के बाद चाइल्ड सीखने के काबिल बन जाता है, ऐसा पहला assumption है, ऐसा पहला assumption है। दूसरा, स्कूल्स डू नॉट परमिट द चिल्ड्रन आफ्टर 6 years ऑफ एज। दूसरा क्या बोल रहा है? 6 साल के बाद स्कूल्स में दाखला नहीं दिया जाता है। क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या लगता है, मतलब अंडरस्टैंड हो ही जाएगा ये क्वेश्चन मुझे, मेरे हिसाब से। यस, फर्स्ट फर्स्ट इज करेक्ट, फर्स्ट इज करेक्ट, है ना। स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि स्कूल में कब दाखिल करना चाहिए? जब बच्चा 5 साल का हो जाए तब। क्यों दाखिल करना चाहिए? उसके पीछे का लॉजिक क्या हो सकता है? एट दैट एज चाइल्ड रीचेस एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड रेडी टू लर्न। हाँ, है ना, मतलब बच्चा के जन्मा तुरंत जन्म में आ गया तो तुरंत डाल देंगे क्या स्कूल में? ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, है ना। जन्मने के बाद तुरंत थोड़ी डाल देते हैं स्कूल में, उसको समझना तो चाहिए क्या चल रहा है। 5 साल का जब हो जाएगा तब उसको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा, अरे यहाँ जब पे जा रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है मुझे, है ना, कहाँ पे भेज रहे हैं मुझे घर से, इतने दिन तो घर बैठा था अब कहीं तो भेज रहे, है ना। तो ये तो सही है। स्कूल्स डू नॉट एडमिट चिल्ड्रन आफ्टर 6 years, ये कौन सी बात हुई, ये थोड़ी है कि 6 साल का बन गया आप स्कूल में दाखला ही नहीं देते, ऐसा थोड़ी होता, किसी को भी दे सकते, है ना। तो फर्स्ट इज इम्प्लिसिट, ओनली फर्स्ट, ओनली फर्स्ट, बरोबर। ये दूसरा क्वेश्चन भी क्लियर है क्या? क्लियर है तो थम्स अप कर देना, मतलब मैं आगे चलता हूं। जब आप थम्स अप करोगे तो मुझे समझ जाएगा कि आप सभी को समझाए। मतलब मुझे समझ में आएगा। चल, बोल रहे डायरेक्ट सीएस में डाल दो, बोले बच्चा जन्मा के तुरंत सीएस में डालने का उसको। वेरी गुड आफ्टरनून अंकिता, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू, यस क्लियर है। चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड, चलिए बढ़िया बढ़िया। हाँ, तीसरा ध्यान से पढ़िए दोस्तों, तीसरा ध्यान से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। In order to bring punctuality in the office, office में punctuality, लोग time पे आ जाए, office में punctuality, we must provide conveyance allowance, conveyance मतलब आने जाने का allowance, conveyance allowance to our employees। क्या बोला है? In charge of company tells personal manager, company के in charge ने क्या बोला है कि हमारे office में
लोग टाइम पे आए जाए, इसके लिए उनको कन्वेंस अलाउंस मतलब उनको पैसा दो, उनको अलाउंस मतलब आने जाने के लिए जो खर्चा लगता है उसके लिए उनको पैसा दो, ऐसा कहा है। पहला एजम्पशन क्या है, कन्वेंस अलाउंस विल नॉट हेल्प इन ब्रिंगिंग पंक्चुअलिटी। दूसरा क्या है, डिसिप्लिन एंड रिवॉर्ड शुड ऑलवेज गो हैंड इन हैंड। क्या लगता है आपको, सेकंड बोल रहे, जनता इज सेइंग सेकंड एंड यू आर एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन गाइस। क्योंकि देखो कन्वेंस अलाउंस विल नॉट हेल्प इन ब्रिंगिंग पंक्चुअलिटी, ये तो कॉन्ट्रेडिक्टरी हो गया ना, उल्टा बोल दिया उसका, उल्टा बोल दिया, फायदा ही नहीं है बोल रहा है, ऐसे थोड़ी है, फिर दे क्यों रहे, फिर देना क्यों है, अगर उसका कुछ फायदा ही नहीं है फिर देना क्यों है, सीधी सी बात है ना। तो ये पहला वाला गलत, डिसिप्लिन एंड रिवॉर्ड शुड ऑलवेज गो हैंड इन हैंड। हाँ ये सही है, डिसिप्लिन अगर कोई फॉलो करता है तो उसको रिवॉर्ड्स भी तो मिले तो वो खुश हो जाएगा, है ना, तो वो खुश हो जाएगा, सही है। तो सेकेंड इज करेक्ट। अरे शिवांश आज तो बड़ी जल्दी में, ओनली सेकेंड इज करेक्ट, यस 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 यस, परफेक्ट परफेक्ट। तो ये तो समझ में आ गया, चलिए बढ़िया। क्वेश्चन नंबर फोर करना, आप फोर करना। स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस शुड बी गिवन टू ऑल अनएम्प्लॉयड इंडियन यूथ अबोव 18 इयर्स ऑफ एज। जो इंडिया में 18 साल के ऊपर है उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दे दो, मतलब जब तक उनको जॉब नहीं मिल जाता तब तक उनको थोड़े पैसे की मदद कर देना, थोड़ी पैसे की मदद कर देना, ठीक है। पहला एजम्पशन क्या है, देयर आर अनएम्प्लॉयड यूथ इन इंडिया हु नीड्स मॉनिटरी सपोर्ट, ये पहला है। और दूसरा है, गवर्नमेंट हैज सफिशियंट फंड्स टू प्रोवाइड अलाउंस टू ऑल अनएम्प्लॉयड यूथ। क्या लगता है, क्या लगता है, फर्स्ट, ओनली फर्स्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, ओनली फर्स्ट। देखो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, जो अनएम्प्लॉयड है, जो अनएम्प्लॉयड है उनको कुछ जीने के लिए थोड़े पैसे दे दो, जो अनएम्प्लॉयड है उनको जीने के लिए पैसे दे दो। तो देर आर अनएम्प्लॉयड यूथ इन इंडिया हु नीड्स मॉनिटरी सपोर्ट, है ना, जरूरत रहता है, जिसके पास जॉब नहीं है उसको मॉनिटरी सपोर्ट की जरूरत रहती है, बराबर। तो पहला वाला तो बिल्कुल सही है। दूसरा, गवर्नमेंट हैज सफिशियंट फंड्स टू प्रोवाइड अलाउंस टू ऑल एम्प्लॉयड यूथ, अनएम्प्लॉयड यूथ, अच्छा मतलब पैसे मतलब उड़ा दो, ऐसा है क्या, पैसे मतलब बांट दो, अनएम्प्लॉयड दिख रहा है बांट दो उसको, पैसे है हमारे पास बांट दिए, है ना, ऐसे थोड़ी होता, ऐसे थोड़ी होता। तो ये गलत है, ओनली फर्स्ट, ओनली फर्स्ट, यस अंजलि बिल्कुल, ये लड्डू हलवा जैसा टॉपिक है, मस्त है बिल्कुल। और ये क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ऐसे मत समझना नहीं आते, आते हैं, आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको फ्री के मार्क्स दिला देंगे। चार क्वेश्चंस अपन ने किए, चारों के चारों समझे, कोई क्वेश्चन में डाउट है तो बोलो, नहीं तो अपन आगे चलते हैं। अगर आगे चलना है तो लिखो मूव ऑन, मतलब हम आगे चल सकते हैं। बोलो यस, गुड गुड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो स्टेटमेंट है, इफ यू ट्रबल मी आई विल स्लैप यू, अ मदर वॉन्ट्स हर चाइल्ड। अगर तुम मुझे परेशान करोगे एक कान के नीचे बजाऊंगी, एक कान के नीचे बजाऊंगी, है ना, मम्मी बोल रही है अपने किड को, अपने किड को क्या बोल रही है, तो अगर तू मुझे परेशान करेगा तो एक कान के नीचे बजाऊंगी। उसके पीछे के एजम्पशंस क्या है, देखो पहला क्या है, विद द वार्निंग द चाइल्ड मे स्टॉप ट्रबलिंग हर। दूसरा है, ऑल चिल्ड्रन आर बेसिकली नॉटी। क्या लगता है, क्या लगता है, कुछ लोग बोध बोल रहे हैं, कुछ लोग फर्स्ट बोल रहे हैं, कुछ लोग बोध बोल रहे हैं, कुछ लोग फर्स्ट बोल रहे हैं, ठीक से सोचिए दोस्तों, गड़बड़ मत कर देना, आप थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हो, आप थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा सोचिए, कुछ लोग गड़बड़ कर रहे हैं, कुछ लोग गड़बड़ कर रहे हैं,
correct answer is, guys, only first is correct. Only first. If you trouble me, I will slap you. मतलब अगर तू परेशान करेगा तो मैं तुझे कान के नीचे बजाऊंगे, ठीक है. With this warning, child may stop troubling her. ये तो बिल्कुल सही है. अगर उसको वार्निंग दे दिया तो वो परेशान करना बंद कर देगा. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ये तो सही है. All children are basically naughty. ये जरूरी है क्या? ये जरूरी है क्या? मासूम भी किड्स होते हैं ना. ऐसे ऑल मतलब ऑल, देखो ये वर्ड सही नहीं है. ये वर्ड सही नहीं है. ऑल सारे नॉटी है क्या? कुछ भी ऐसा थोड़ी है. मासूम भी बच्चे होते ना, शांत बैठे रहते हैं, अपना अपना ही चलते रहता उनका, किसी को कुछ तन नहीं करते है ना. तो ऐसे भी किड्स है, ऐसे भी किड्स है, राइट. तो इसके वजह से ये गलत. तो ओनली फर्स्ट, ओनली फर्स्ट. गॉट इट परफेक्टली? गॉट इट परफेक्टली? शिवांश बोल रहे आज के युग में सारे शैतान ही है, बोले. अरे कुछ कुछ मेरे जैसे होते ना, प्यारे से, मासूम से. जब मैं छोटा था तब मासूम था मैं बहुत, है ना. बिल्कुल किसी को परेशान नहीं करता था, आज भी नहीं करता हूं, है ना, है ना. सही है, मतलब ओनली फर्स्ट इज करेक्ट, राइट. चलिए आगे बढ़ते हैं. हाँ, ये देखिए स्टेटमेंट क्या है. स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू अपॉइंट 4000 प्राइमरी स्कूल टीचर्स. स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि 4000 प्राइमरी स्कूल टीचर्स को अपॉइंट करो. उसके पीछे का एजम्पशन क्या है देखना. देर आर इनफ स्कूल्स इन द स्टेट टू अकोमोडेट 4000 एडिशनल प्राइमरी स्कूल टीचर्स. और दूसरा है, एलिजिबल कैंडिडेट्स मे नॉट बी इंटरेस्टेड टू अप्लाई एज गवर्नमेंट मे नॉट फाइनली अपॉइंट सच लार्ज नंबर ऑफ प्राइमरी स्कूल टीचर्स. क्या लगता है, सोच के बताना. सोच के बताइए. फर्स्ट ओनली, यस यू आर करेक्ट. गाइज आपको ने ये टॉपिक को अच्छे से समझा है, ये टॉपिक आपको अच्छे से मस्त अंडरस्टैंड हो रहा है, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आएगा. बिल्कुल आप अंडरस्टैंड कर रहे हो इस टॉपिक को, बिल्कुल सोच सही पकड़ रहे हो. फर्स्ट इज करेक्ट. स्टेट गवर्नमेंट क्या बोल रहा है, हैज डिसाइडेड टू अपॉइंट 4000 प्राइमरी टीचर्स. स्कूल टीचर 4000 लोगों को अपॉइंट करने का डिसीजन ले लिया उन्होंने. एजम्पशन क्या है, देर आर इनफ स्कूल्स इन द स्टेट टू अकोमोडेट 4000 एडिशनल प्राइमरी स्कूल टीचर्स. ये तो सही है ना. डिसाइड कब करेंगे कि अकोमोडेट करने के लिए जगह तो होना चाहिए, तो जगह है इसलिए अकोमोडेट कर रहे हैं, तो जगह है ये सोच लिया उन्होंने कि अरे जगह है, सोच लिया हमने पास जगह है, तो इसके बाद अपॉइंट कर सकते हो. तो पहला तो सही है. दूसरा क्या है, एलिजिबल कैंडिडेट्स मे नॉट बी इंटरेस्टेड टू अप्लाई. अच्छा, फिर इंटरेस्टेड ही नहीं है अप्लाई तो करने के लिए, तो काय को फिर अपॉइंट करेंगे, है ना. ऐसा थोड़ी है, लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है, ये किस बात की है, क्या बात हुई, मतलब ये तो है ही नहीं, है ना. ठीक है, चलिए. मतलब आंसर क्या आएगा, ओनली फर्स्ट, ओनली फर्स्ट. समझ में आई बात, समझ में आई बात. चलिए आगे बढ़ते हैं. हाँ, ये पढ़ी. वार्निंग इन अ ट्रेन कंपार्टमेंट. ट्रेन कंपार्टमेंट में वार्निंग है क्या, टू स्टॉप द ट्रेन पुल चेन. चेन पुल कीजिए अगर आपको गाड़ी रोकनी है तो. पेनल्टी फॉर इम्प्रॉपर यूज ₹500. अगर आप गलत इस्तेमाल करते हो उसका तो आपको ₹500 जुर्माना देना पड़ेगा. ट्रेन स्टॉप करनी है चेन खींचो, लेकिन चेन अगर गलत इस्तेमाल करने के लिए खींचते हो तो आपको ₹500 का जुर्माना देना पड़ेगा. एजम्पशंस क्या है, सम पीपल मिस यूज द अलार्म चेन. और दूसरा क्या है, ऑन सर्टन ओकेजन्स पीपल मे वॉन्ट टू स्टॉप अ रनिंग ट्रेन. बताइए, सोच के बताना. अलग अलग आंसर्स दे रहे हो, ध्यान से, ध्यान से सोच के बताइए.
कुछ लोग बोध बोल रहे हैं, कुछ लोग फर्स्ट बोल रहे हैं। देखिए देखिए समझिए इसको। अ वार्निंग इन ट्रेन कंपार्टमेंट, ट्रेन कंपार्टमेंट में वार्निंग दिया है क्या? टू स्टॉप द ट्रेन पुल चेन, अगर आपको ट्रेन स्टॉप करना है तो चेन खींचिए। पेनल्टी फॉर इम्प्रॉपर यूज ₹500, अगर आप गलत इस्तेमाल करते हो तो आपको ₹500 का जुर्माना देना पड़ेगा। पहला एजम्पशन क्या है? सम पीपल मिस यूज द अलार्म चेन। बिल्कुल, कुछ लोग उसका गलत इस्तेमाल करते हैं और फिर ट्रेन को रोक देते हैं, है ना, मजाक मजाक में। देखते चेन खींच के क्या होता, देखते लिखा रहता है कि चेन खींचोगे तो ट्रेन रुक जाएगी, देख तो लेते क्या रुकती कि नहीं, सच में रुकती कि नहीं, ये देखने के लिए खींच लेते हैं ना। तो ऐसा करोगे तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा। आपने वो थ्री इडियट देखी क्या? थ्री इडियट, थ्री इडियट में वो तो फरहान जो होता है वो तो डायरेक्टली प्लेन को ही लैंडिंग करवा देता, हार्ट अटैक आ गया, ऐसे ऐसे नखरे करता और उसके बाद प्लेन का ही लैंडिंग करवा देता है ना। तो वो तो इम्प्रॉपर यूज हो गया, इम्प्रॉपर। वैसे ही अगर कोई चेन मजाक मस्ती में खींच लेता है तो उसको जुर्माना देना पड़ेगा, क्योंकि पीपल मिस यूज द ट्रेन। तो ये पहला वाला तो बिल्कुल सही है, पहला वाला तो बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद ऑन अ सर्टन ऑकेजन पीपल मे वॉन्ट टू स्टॉप द रनिंग ट्रेन। हाँ ये भी तो सही है ना गाइज, ये भी तो सही है। अब सच में अगर किसी को मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है तो उसको प्रॉपर यूज बोला जाएगा चेन का। अगर किसी को सच में मेडिकल इमरजेंसी है और वो चेन को खींच लेता है तो उसका वो प्रॉपर यूसेज हो गया, प्रॉपर यूसेज हो गया। बात समझ में आ रही है आपको? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? उसका तो प्रॉपर यूसेज हो गया ना वो, तो ये भी सही है, ये भी सही है। तो बोथ करेक्ट, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? बोथ, है ना। समझ में आई है बात? समझ में आई है? तो दोनों करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस शिवांश, बिल्कुल सही। अब देखिए आठवां क्वेश्चन क्या है। इफ इट इज इजी टू बिकम एन इंजीनियर, आई डोंट वॉन्ट टू बी एन इंजीनियर, ऐसा बोला है। अगर इंजीनियरिंग बनना इजी है तो मैं नहीं करना चाहता, ऐसा। अगर इंजीनियरिंग बनना इजी है तो मैं नहीं करना चाहता। एजम्पशन क्या है? पहला, एन इंडिविजुअल एस्पायर्स टू बी प्रोफेशनल। दूसरा क्या है? वन डिजायर्स टू अचीव अ थिंग विच इज हार्ड अर्नड। बताइए बताइए, ठीक से पढ़िए, ठीक से पढ़िए। नहीं बोथ नहीं है, बोथ नहीं है, बोथ नहीं है, बोथ नहीं है यारो, बोथ नहीं है। बोथ नहीं है। ओनली टू, यस। देखो क्या बोल रहा है एक इंसान, अगर इंजीनियर बनना आसान है तो मैं नहीं बनना चाहता। तो इफ एन इंडिविजुअल एस्पायर्स टू बी प्रोफेशनल, ये क्या बात हुई? मतलब अगर वो बोल रहा है इंजीनियर नहीं बनना चाहता तो एस्पायर्स टू बी प्रोफेशनल, मतलब ये तो उल्टा हो गया ना, तो गलत हो गई बात, ये तो गलत बात हो गई। सेकेंड क्या है? वन डिजायर्स टू अचीव अ थिंग विच इज हार्ड अर्न, मतलब जो मुश्किल है वो करना चाहता है, ईजी चीज है नहीं करना चाहता, मुश्किल है करना चाहता है, यह ना। One desires to achieve the thing which is hard earned, मतलब जो मुश्किल है वो मैं करना चाहता हूं, easy चीज मैं ना करने वाला, easy चीज मैं ना करने वाला, है ना। तो इसके लिए only second, right? Clear है यहां तक? Clear है। चलिए अगला question। अगला क्वेश्चन, अभी दो क्वेश्चंस और, दो क्वेश्चंस फिर बस, दो क्वेश्चंस और बस फिर। कंसेशन इन रेल फेयर्स फॉर द जर्नी टू हिल स्टेशन हैज बीन कैंसल्ड बिकॉज इट इज नॉट नीडेड फॉर द पीपल हु कैन स्पेंड देयर हॉलीडेज देयर। मतलब पहले क्या हो रहता था कि अगर आप हॉलीडेज के लिए जाते हो, ट्रेन से जाते हो,
तो आपको कंसेशन मिलता था। अब वो क्या किया है, कंसेशन कैंसल किया है, ट्रेन का कंसेशन जो हॉलीडेज के लिए जा रहे हैं, एंजॉय करने के लिए जा रहे हैं, उनका कंसेशन कैंसिल किया है। एजम्पशंस क्या है, पहला, रेलवे शुड गिव कंसेशन ओनली टू नीडी पर्संस, ओके, और दूसरा क्या है, रेलवे शुड नॉट एनकरेज पीपल टू स्पेंड देयर हॉलीडेज एट हिल स्टेशन। ये तो पढ़ के ही समझ में आ रहा है क्या है ना। पहला, ट्रेन फेयर्स कैंसिल, मतलब जो फेयर्स जो तो थे, मतलब जो कंसेशंस जो थे वो कैंसिल कर दिए, जो एंजॉय करने के लिए जाते है ना, जिनको जरूरत है उनको ही दे दो यार, जो एंजॉय करने के लिए जा रहे हैं हॉलीडेज, मस्त मस्त जिंदगी जीने के लिए जा रहे हैं, उनके पास पैसा है, उनको क्या कंसेशन देके करने वाले हो, तो सिर्फ जो नीडी पीपल है उनको दे दो। रेलवे शुड नॉट एनकरेज पीपल टू स्पेंड हॉलीडेज ऑन हिल स्टेशन, ये क्या बात हुई, ये तो क्या कुछ भी है, मतलब ये कि रेलवे डिस्करेज कर रहा है लोगों को कि हिल स्टेशन पे हॉलीडेज एंजॉय मत करो, बोले क्या कुछ भी, मतलब कुछ भी है ये, इज एब्सोल्यूट रबिश है ना। ओनली ओनली फर्स्ट, ओनली फर्स्ट, ओनली फर्स्ट, राइट राइट, ओके ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, लास्ट वन, लास्ट वन, द ब्रिज वॉज बिल्ट एट द कॉस्ट ऑफ रुपीज 128 करोड़ एंड इवन सिविल बस सर्विस इज नॉट यूटिलाइजिंग इट, वॉट अ पिटी टू सी इट ग्रॉसली अंडर यूटिलाइज। 128 करोड़ खर्च करके एक ब्रिज बनाया है और उसका यूटिलाइजेशन ही नहीं हो रहा है, उसका यूटिलाइजेशन ही नहीं हो रहा है। अ सिटीजन्स व्यू ऑन न्यू फ्लाईओवर लिंकिंग ईस्ट एंड वेस्ट साइड्स ऑफ सबर्ब, ठीक है। एजम्पशंस क्या है, पहला, बिल्डिंग ऑफ सच ब्रिजेस डज नॉट सर्व एनी पब्लिक ऑब्जेक्टिव, दूसरा, देयर हैज टू बी सम अकाउंटेबिलिटी एंड यूटिलिटी ऑफ मनी स्पेंट ऑन द पब्लिक प्रोजेक्ट्स, सेकेंड, दोस्तों 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 इसका आंसर है ना, इसका आंसर जो है, इसका आंसर जो है, सेकंड लग रहा है। अच्छा देखो, 128 करोड़ खर्च कर दिए और क्या हो गया है, वो अंडर यूटिलाइज्ड है। बिल्डिंग ऑफ सच ब्रिजेस डज नॉट सर्व एनी पब्लिक ऑब्जेक्टिव, ये तो गलत है ना, ब्रिज तो बनने चाहिए, तो ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है इसका। और There has to be accountability and utility of money spent, ये भी गलत है दोस्तों, ये भी गलत क्यों है, इसका पीछे का रीजन बताता हूं। देखो दोस्तों, ये जो अकाउंटेबिलिटी जो है वो तो बात की बात आ गई ना, वो तो बात की बात आ गई, वो तो बात की बात आ गई ना, मतलब 128 करोड़ खर्च कर दिए और फिर वो दिख गया कि अरे ये वेस्ट हो गया है, तो फिर हम बोलेंगे ना अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, पहले ही नहीं बोल सकते ना, हम पहले ही नहीं बोल सकते, सोच क्या है ये देखना, एजम्पशन में सोच है, मतलब पहले वाले विचार है, ये तो बात की बात आ गई ना, मतलब अगर मैं बोलता हूं, अगर मैं बोलता हूं क्या वो कौन सी नई मूवी आई है देख के आ गया, पैसा बर्बाद कर दिया, पैसा बर्बाद कर दिया, तो पैसा बर्बाद कर दिया ये जब होता है तो देयर हैज टू बी अकाउंटेबिलिटी, मतलब आपने सोचना चाहिए कि पैसा कहां पे खर्च करना चाहिए, ये तो बात की बात आ गई ना दोस्तों। एजम्पशन मतलब क्या है, पहले वाला है, एजम्पशन मतलब क्या है, पहले वाला है, पहले वाला, तो ये तो बात की बात आ गई, खर्चा करके पैसा बर्बाद कर दिया, उसके बाद नहीं करना चाहिए था, है ना, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, पैसे कैसे खर्च करेंगे, है ना, ये तो बात की बात होगी, ये तो पहले वाली बात नहीं है ना, है ना, तो दैट्स व्हाई बोथ रॉन्ग, बोथ रॉन्ग। तो ये अपना स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया, गॉट इट परफेक्टली दोस्तों, समझ में आई है सब बातें, समझ में आई है अच्छे से, हैव यू अंडरस्टूड इट, हैव यू अंडरस्टूड इट, यस कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया, गॉट इट परफेक्टली, अगर अच्छे से समझाए तो थम्सअप कर दीजिए, लेक्चर को लाइक भी कर देना,
तो फिर रुकते हैं, अगर समझ में आया है तो फिर रुकते हैं। यस यस यस, पीडीएफ शेयर कर देता हूं, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, चलिए चलिए चलिए, यस परफेक्ट, ओके बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, मिलता है टुमारो सेम टाइम सेम प्लेस, आज के लिए बाय।